रैम्बो 17 स्लेवर्स, रैम्बो रैम्बो में 7 कलर होते हैं, कौन कौन से? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। कौन कौन से कलर होते हैं? तो रेनबो, इस वजह से रेनबो टीम रखी गई है। और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये, क्योंकि रेनबो है एक नेचुरल है, रेनबो को किसी ने बनाया तो नहीं है, भगवान ने अपने आप ही नेचुरली, जब बारिश होती है तब ये रेनबो खेतों में, पहाड़ों पे अपने आप ही निकल आता है। तो रेनबो कितने कलर होते हैं? 7। कौन कौन से? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो 7 कलर को 7 सब्जेक्ट के साथ जोड़ा गया है, और एक एक सब्जेक्ट के साथ एक एक व्यक्ति को इसमें जोड़ा गया है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, सबसे पहला यही है कि रेड के साथ कौन सा सब्जेक्ट है, वो कौन, उसको उसकी जिम्मे किसकी उसके पास किसकी जिम्मेवारी है, ठीक है? ये ध्यान रखना, पहला ही यही है ये। उसके बाद दूसरे दूसरे चीजें स्टार्ट होती हैं। तो रेड रेड के साथ मेरे सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें ललिता चौधरी हैं। तो बोलो, रैम्बो 17 टीम्स सिलेबस, रेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ललिता चौधरी। रेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ललिता चौधरी। ऑरेंज लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सरस्वती चौधरी। येलो जनरल स्टडीज उमा चौधरी। ग्रीन नेचुरल साइंस लक्ष्मी चौधरी। ब्लू मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स एंड बिजनेसेस वी चौधरी। इंडिगो लॉ एंड गवर्नेंस प्रिया चौधरी। वायलेट सोशियोलॉजी आर चौधरी। जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे, उन सारे सब्जेक्टों को 7 कैटेगरी में डिवाइड करके 7ों में रखा गया है। तो जैसे तुम्हारी क्लास टीचर होती हैं, अगर वो मैथ पढ़ाती है तो तुम क्या सोचोगे कि भाई घर के अंदर हमारे को मैथ कौन पढ़ा रहा है? वी चौधरी। कौन पढ़ा रहा है? वी चौधरी। और तुम्हारे स्कूल में ईवीएस पढ़ाई होती है, तो ईवीएस घर पे कौन चल पा किसके पास जिम्मेवारी है ईवीएस की? लक्ष्मी चौधरी। जनरल स्टडी भी होता है ईवीएस में, तो उमा चौधरी। उमा चौधरी साइंस पढ़ा रहे हैं, तो तुम एकदम से, यानी कि हर चीज को इससे जोड़ोगे तब तुमको ध्यान रहेगा ये चीजें। समझ में आया? इससे नहीं जोड़ोगे तो तुम भूल जाओगे और तुमको समझ में नहीं आएगा। तो हर चीज को, जो भी पढ़ो, जो भी सुनो, जो भी चीज करो, उसको इसके साथ जोड़ो, ठीक है? तो रैम्बो की कुछ वेबसाइट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वेबसाइट हैं, लेकिन मेन वेबसाइट है तो इसमें दिया गया है। मेन वेबसाइट bcdks.com, हिंदी में भी दिया गया है, मेन वेबसाइट bcdks.com, कॉपी वेबसाइट rgs5.com, rgs7.com, कॉपी वेबसाइट rgs5.com, rgs7.com।
रेड डेमोक्रेटिक यहां से रेड स्टार्ट होता है, रेड हर्षिता चौधरी से संबंधित है, ललिता चौधरी से संबंधित है, इस वजह से यहां इनकी फोटो लगाई गई है ताकि आपको ध्यान रहे कि रेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हर्षिता चौधरी से संबंधित है। तो हर्षिता चौधरी के सिलेबस जो है ये वेबसाइट यूट्यूब पे डले हुए हैं, ये वीडियो तो इनके नाम दिए हुए हैं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि कौन कौन से सब्जेक्ट की कौन कौन सी वीडियो यूट्यूब पे डली हुई है सिलेबस की। इसके अंदर हम केवल बात करेंगे सिलेबस की, किस चीज की बात करेंगे, सिलेबस की, सिलेबस। और सिलेबस कौन सा, जो मेन मेन सब्जेक्ट है, कौन से सिलेबस की, जो मेन मेन सब्जेक्ट है। तो हमने सारे मेन मेन सब्जेक्ट को कितने कैटेगरी में बांटा है, और हमने उसी में ही सारे सब्जेक्ट शामिल कर दिए हैं उनके सब सब्जेक्ट बनाकर। तो तुमको ध्यान ये रखना है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट में बाकी के सब सब्जेक्ट आते हैं और उसे रिलेट करना है। तो 1.1 रेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सिलेबस, 1.1 पहली वीडियो जो है रेड की वो है रेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सिलेबस। ये एक सिलेबस रखा गया है, एक वर्ड मैनेजमेंट दिया गया है, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए। कंफ्यूजन कैसे दूर करने के लिए कि आप रेड में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो एक सब्जेक्ट को बिल्कुल फोकस करना है, क्योंकि लास्ट में जब कंपटीशन एग्जाम होंगे तो कंपटीशन एग्जाम में एक सब्जेक्ट में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो एक एक व्यक्ति को एक दो या तीन सब्जेक्ट मेन मेन सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो उन सब्जेक्ट का सिलेबस हमें कहां से लेना है, यूपीएससी सिलेबस, ये कहीं से भी मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, ये सिलेबस कहीं से भी मिल जाएगा। नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, यूपीएससी का सिलेबस हर साल निकलता है उसमें से ले सकते हैं। तो रेड का है मैनेजमेंट यूपीएससी सिलेबस, मैनेजमेंट यूपीएससी सिलेबस। तो ये जो यूपीएससी सिलेबस है, कई सारे इनके वीडियो बन चुके हैं सिलेबस के, उस जिनके नहीं बने हुए हैं वो अपने आप बना लेंगे। जैसे मैनेजमेंट यूपीएससी सिलेबस का यूपीएससी की हमने वीडियो नहीं बनाई है, तो ये आप लोग बना लोगे, ठीक है, मैनेजमेंट यूपीएससी सिलेबस, मैनेजमेंट यूपीएससी सिलेबस। दूसरी वीडियो है 2.2 रेड उत्तर प्रदेश 80 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 2.2 रेड की दो ही सिलेबस की वीडियो बनी हुई है और एक सिलेबस की वीडियो आप लोग बना सकते हो मैनेजमेंट यूपीएससी सिलेबस की। तो एक सब्जेक्ट सिलेबस की बनी हुई है और एक जो उनके 80 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश के, वो उसकी एक वीडियो बनी हुई है। क्लियर, ये हर्षिता का शुरू होता है रेड। हर्षिता की वेबसाइट जो है और जो इनको जिम्मेवारी है वो है रेड डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस इकोनॉमिकल, रेड डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस इकोनॉमिकल, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी।
MIT12.com Health. 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 देखिए जो ये हर्षिता का सब्जेक्ट था वो है, सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो पहला वर्ड क्या है? मैनेजमेंट। तो ये तस्वीर जो दिखा रही है मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट किसी भी काम को अच्छी तरीके से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा उसका आउटपुट लेने के लिए जो मैनेज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। तो किसी कंपनी में अच्छा मैनेजर आ जाता है और उस कंपनी को अच्छी तरह से मैनेज करता है तो वो कंपनी अच्छी चलने लग जाती है। और उसी कंपनी में कोई खराब मैनेजर आता है और चीजों को नहीं समझ पाता है और सही से मैनेज नहीं कर पाता है तो वो कंपनी घाटे में चली जाती है। और मैनेजमेंट हर लेवल पे होता है, एक परिवार के लेवल, एक व्यक्ति के लेवल पे भी होता है, एक परिवार के लेवल पे भी होता है, सोसाइटी के लेवल पे भी होता है, राज्य के लेवल पे भी होता है, संगठन के लेवल पे भी होता है, नेशन के लेवल पे भी होता है, वर्ल्ड लेवल पे भी होता है। तो मैनेजमेंट में क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके उसका ज्यादा से ज्यादा आउटपुट किया जाता है। और कुछ कौन से जरूरी काम है, कौन से गैर जरूरी काम है, प्रायोरिटी वाइज काम कराया जाता है। तो मैनेजमेंट समझ में आ गया? हाँ। इस तरीके से समझ में आ रहा है मैनेजमेंट? हाँ। क्या पता लग रहा है इससे? कस किया यहाँ आके बोलो कि किसको क्या समझ में आ रहा है। सब लोग अपना अपना बताओ, सब लोग बोलो क्या क्या इस तस्वीर से क्या समझ में आ रहा है। हमें इससे ये समझ आ रहा है कि हमें मैनेज करना है, जैसे कि हमें घर में कितने पैसे की जरूरत है, रोज हमें रोज किस क्या क्या जरूरत है, ये हमें समझ आ रहा है। और हमें कम पैसे में ज्यादा सामान की ज्यादा सामान लेना है और उसका आउटपुट अच्छा निकालना है कम चीजों में। कौन सी चीज का कब यूज करना है और कौन सा सामान सबसे जरूरी है उसको पहले मैनेज करना। तो एक लाइन में मैनेजमेंट ये है कि कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेना अच्छी तरह से चीजों को मैनेज करके, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट हो गया। दूसरा वर्ड जो है वो है इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या है? इंफॉर्मेशन। तो आज की रेट में इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ही जरूरी है। इंफॉर्मेशन का आज के जमाने में युद्ध है। इंफॉर्मेशन जिसके पास रहता है वही आगे निकल जाता है, जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहता है वो पीछे रह जाता है। इंफॉर्मेशन के लेने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे फोन पे बात करना। यहां पर ललिता हर्षिता से फोन पे बात कर रही है। क्या कर रही है? ललिता हर्षिता से फोन पे बात कर रही है। तो ललिता अपना हालचाल हर्षिता को बता रही है, हर्षिता अपना हालचाल ललिता को बता रही है। तो दोनों एक दूसरे की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन जा रही है। कई की जगह क्या होता है कि एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को बड़ी बड़ी मीटिंगें लेके या छोटी मीटिंग लेकर एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं इंफॉर्मेशन के, टेलीफोन से। और यहां देखिए इंफॉर्मेशन ले रहा है ये व्यक्ति, किस चीज इंफॉर्मेशन ले रहा है? किताब लेकर। ये खड़ा होकर बनाया गया, इंटरेस्टिंग इनोवेटिव दिमाग में घुसने के लिए बनाया गया, वरना ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको बैठ के ये रीडिंग करेगा। और ये किस चीज से इंफॉर्मेशन ले रहा है? मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट से। किस चीज से ले रहा है? मोबाइल और टैबलेट से। ये किस चीज से इंफॉर्मेशन ले रहा है? लैपटॉप से। लैपटॉप कंप्यूटर है ना। और ये किस चीज से इंफॉर्मेशन ले रही है? बुक, लैपटॉप वगैरह से, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, वहां वो सब डिटेल में
जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम केवल सिलेबस बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजी। कौन सा वर्ड है नेक्स्ट? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी भी हर्षिता का है, इस वजह से यहाँ पर भी हर्षिता ललिता की फोटो है अपने टेडी बियर के साथ। टेडी बियर के पास बैलून है। तो टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी जो होती है वो किसी काम को करने का आधुनिक तरीका टेक्नोलॉजी कहलाता है। क्या होता है टेक्नोलॉजी? किसी काम को आधुनिक तरीका करना टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो टेक्नोलॉजी के सहारे हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हवाई जहाज बनते हैं किस चीज से बनते हैं? टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी हमेशा समय के साथ विकसित होती है। क्रेन आए हुए हैं, लैपटॉप बन रहे हैं, टैब बन रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप बन रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें बन रही है। सारी चीजें किस चीज से बन रही है? टेक्नोलॉजी। ये कार किस चीज से बन रही है? टेक्नोलॉजी से। ये सीसीटीवी कैमरा किस चीज से बन रहा है? टेक्नोलॉजी से। तो आजकल कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करता। हम लोग कौन कौन सी घर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की चीजें यूज कर रहे हैं? लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, ठीक है, हर कोई बहुत सारी चीजें यूज कर रहा है। और टेक्नोलॉजी जो जिसकी इतनी जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है उतना आगे निकल जाता है। सेकंड आया ऑरेंज। सेकंड क्या है? ऑरेंज सरस्वती चौधरी का है, इस वजह से यहां सरस्वती चौधरी की फोटो दी गई है। तो सरस्वती चौधरी के वर्ड दो मेन वर्ड हैं। एक वर्ड क्या है? इंग्लिश। दूसरा वर्ड क्या है? ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इतनी सारी कंफ्यूजिंग चीजों से, तो इस वजह से सरस्वती चौधरी के साथ वर्ड लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश। ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक। तो इसके सिलेबस तीन वीडियो सिलेबस के बने हुए हैं। तो पहला वीडियो जो बना हुआ है वो है 2.1 ऑरेंज लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड क्राफ्ट सिलेबस पार्ट 1। 2.1 ऑरेंज लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड क्राफ्ट पार्ट 1 इंग्लिश। 2.2 ऑरेंज लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड क्राफ्ट सिलेबस पार्ट 1। 2.1 ऑरेंज लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड इसमें इंग्लिश यूपीएससी की तैयारी के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट लिया गया है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस इसमें डाल लिया गया है। तो इसमें अलग से वीडियो बनाने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश यूपीएससी सिलेबस का वीडियो बना हुआ है। तो बोलो इंग्लिश यूपीएससी सिलेबस। इंग्लिश यूपीएससी सिलेबस 2.1 ऑरेंज लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड क्राफ्ट सिलेबस पार्ट 1 इंग्लिश यूपीएससी सिलेबस। 2.1 ऑरेंज लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड क्राफ्ट सिलेबस पार्ट 1 इंग्लिश यूपीएससी सिलेबस। दूसरा वीडियो जो है वो है ऑरेंज मेन सिलेबस पार्ट 2। ये जो सिलेबस है इसका पार्ट 2 है। और 2.2 ऑरेंज मेन सिलेबस पार्ट 2। ऑरेंज मेन सिलेबस पार्ट 2। 2.3 ऑरेंज महाराष्ट्र 48 वेस्ट बंगाल 42 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। 2.3 ऑरेंज महाराष्ट्र 48 वेस्ट बंगाल 42 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। 2.2 ऑरेंज महाराष्ट्र 48 वेस्ट बंगाल 42 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। 2.3 ऑरेंज महाराष्ट्र 48 वेस्ट बंगाल 42 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब आगे हम जो इसके से रिलेटेड जो सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ड है
उसके बारे में दिखाएंगे। तो कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ड है लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो दुनिया में बहुत तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, उसके बारे में अभी बताएंगे। ऑरेंज डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस पॉलिटिकल, ऑरेंज डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस पॉलिटिकल, ऑरेंज डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस पॉलिटिकल, लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड क्राफ्ट, लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड क्राफ्ट, लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड क्राफ्ट, लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड क्राफ्ट। IPA44.com, 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 education, 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 education। तो पहला सरस्वती चौधरी का पहला जो सब्जेक्ट था वो था लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस क्या होते हैं बच्चों? लैंग्वेजेस भाषा, भाषा जो होती है हम जो महसूस कर रहे हैं, जो फीलिंग कर रहे हैं हम दूसरे को बताते हैं, तो जो हम बताने के लिए जो यूज करते हैं वो भाषा कहलाती है। तो भाषा को लिखा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये जो कुछ भाषाएं हैं, हजारों भाषाएं हैं दुनिया में, इसमें से कुछ जो मोस्ट पॉपुलर बोले जाने वाली भाषाएं हैं वो हैं जैसे चाइनीज, रशियन, जापनीज, बंगाली, हिंदी, पंजाबी, अरेबिक, स्पेनिश, इंग्लिश, ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। तो भाषा किसके पास है? सरस्वती चौधरी के पास। भाषा क्या होती है समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं। दूसरा है आर्ट्स एंड क्राफ्ट। यहां सरस्वती की तस्वीर नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, आप समझ लेना ये सरस्वती है, यहां चिड़िया बन गई है जादू से। तो आर्ट एंड क्राफ्ट किसका है? सरस्वती चौधरी का। तो आर्ट एंड क्राफ्ट क्या होता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट हाथों से किया जाता है। घर में उपलब्ध जो सामान होते हैं, कागज, कैंची, गोंद और जो लकड़ियां, बांस और पत्ते, पेड़, डालियां, कपड़े, उन सब चीजों का इस्तेमाल करके, वेस्ट चीजों का इस्तेमाल करके, आस पड़ोस में अवेलेबल फ्री चीजों का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई जाती हैं, और ये चीजें इतनी अच्छी भी बन जाती हैं कि वो उसको बेचा भी जा सकता है। तो अगर हम नेट पे डालेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट की, तो बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी बहुत अच्छी अच्छी कीमत पर। तो आर्ट एंड क्राफ्ट से हम घर में बहुत उपयोगी चीजें बना सकते हैं, और हम चाहे तो और अच्छी अच्छी चीजें बनाकर हम उसका बेच भी सकते हैं। तो बताओ आप लोग आर्ट एंड क्राफ्ट से क्या समझे? आर्ट एंड क्राफ्ट सामानों से हम अच्छा सा सामान बनाए जो यूजफुल भी हो और हम उसको बेच भी सकते हैं। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट किसके पास है? सरस्वती चौधरी के पास। एक बार और सरस्वती चौधरी की शक्ल दिखा देता हूँ, ये है सरस्वती चौधरी, ठीक है, पहचान गए सरस्वती चौधरी को? हाँ। यहाँ चिड़िया बन गई है सरस्वती चौधरी। ये बच्चे डांस कर रहे हैं भाई, तो ये बच्चे डांस करते हुए क्यों बनाया गया? क्योंकि सब्जेक्ट चौधरी, सरस्वती चौधरी को जो फोकस करना है एक्टिविटी के लिए वो है ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक। क्या है? ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक। तो ये सारे बच्चे जो है ड्रामा, ये डांस कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं, ये गाना गा रहे हैं। तो ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक है ना, तो ये सारी एक्टिविटी है। तो इसमें सबसे अच्छा डांस कौन कर रहा है? सरस्वती चौधरी, ठीक है, टोपी पे डांस कर रही है। तो क्या ये ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक, ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक, ठीक है। तो ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक सरस्वती चौधरी का है।
भाई उमा चौधरी। कौन है ये? उमा चौधरी। उमा चौधरी का है सब्जेक्ट येलो जर्नल स्टडीज। येलो जर्नल स्टडीज। येलो जर्नल स्टडीज। येलो जर्नल स्टडीज। थ्री पॉइंट वन येलो जर्नल स्टडीज सिलेबस पार्ट वन। थ्री पॉइंट वन येलो जर्नल स्टडीज सिलेबस पार्ट वन। इनकी वीडियो सबसे ज्यादा अपलोडेड है। 3.1 में से एक सिलेबस दिया गया है, फिर इसमें सिलेबस को अच्छी तरह से याद करवाने के लिए दूसरा नंबर बनाया गया है, और तीसरा नंबर में जो इनके पास पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो दिया गया है, और क्योंकि पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इनके पास है तो ऑल इंडिया की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वीडियो इनको दिया गया है। ये इनको याद नहीं करना, लेकिन बीच बीच में इनको ध्यान रखना है कि कौन सी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पर है। दूसरा पांचवें नंबर पे इंडिया के जो जितने भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनका वीडियो भी यहाँ दिया गया है, और छठे नंबर पे दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें हैं उसका भी वीडियो दिया गया है। तो उमा चौधरी के पास कितने वीडियो है, कितने सिलेबस के वीडियो है? छे। कितने सिलेबस के वीडियो है? छे। कौन कौन से? दो तो है मेन सिलेबस के वीडियो, और एक है इनके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वीडियो, एक है पूरी इंडिया के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वीडियो, एक है स्टेट और यूनियन टेरिटरी का वीडियो, और एक है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का वीडियो। ठीक है, किनके पास? उमा चौधरी के पास। बोलो 3.1 येलो जर्नल स्टडीज सिलेबस पार्ट वन। 3.1 येलो जर्नल स्टडीज पार्ट वन। 3.1 येलो जर्नल स्टडीज सिलेबस पार्ट वन। 3.1 येलो जर्नल स्टडीज सिलेबस पार्ट वन। 3.2 येलो जर्नल स्टडीज सिलेबस पार्ट टू। 3.2 येलो जर्नल स्टडीज सिलेबस पार्ट टू। ये हिस्ट्री यूपीएससी सिलेबस बना हुआ नहीं है, ज्योग्राफी का भी नहीं बना हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का भी नहीं बना हुआ है, तो ये सिलेबस नेट से या कहीं से भी लेकर ये इसका वीडियो बाद में बना सकते हैं। तो कौन कौन सा वीडियो बनाना है? हिस्ट्री यूपीएससी सिलेबस, ज्योग्राफी यूपीएससी सिलेबस, और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी सिलेबस। ठीक है, इन तीन सब्जेक्ट की तैयारी ने यूपीएससी के हिसाब से करनी है। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी जो बच्चे करते हैं वो जो कोचिंग लेते हैं वो कोचिंग कितने महीने का होता है कोर्स उनका? 3 महीने का। 3 महीने में उनको ये पूरा कोर्स जो होता है वो करा दिया जाता है ना, उसके बाद वो एग्जाम देते हैं। तो तुम्हारे पास तो बहुत समय, अगर अभी से तुम करोगे तो तुम्हारे पास तो बहुत सारे समय है कि नहीं है? कितना समय है? दस साल से भी ज्यादा तुम्हारे पास है। तो यानी कि तुम्हारे को जो 3 महीने में जो तैयारी कराई जाती है वो तुम्हें 10 साल में करनी है, और वो भी अगर नहीं कर पाओगे तो बहुत बेकार बात होगी। इस वजह से ये सिलेबस तुम्हें अभी से देखना है, समझना है, और उसकी तैयारी करनी है। हिस्ट्री यूपीएससी सिलेबस। हिस्ट्री यूपीएससी सिलेबस। जियोग्राफी यूपीएससी सिलेबस। जियोग्राफी यूपीएससी सिलेबस। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस यूपीएससी सिलेबस। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस यूपीएससी सिलेबस। अब हम यू सिलेबस तो बहुत सारे हैं, तुम्हारे स्कूल का सिलेबस है, कॉलेज का सिलेबस है, यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, वो सारे सिलेबस नहीं लिया। यूपीएससी का क्यों लिया? क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, जो तुम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 543 देख रहे हो, हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। कहाँ के बच्चे देते हैं? सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि इंडिया के कोने कोने से बच्चे जो एग्जाम देते हैं वो कौन सा एग्जाम देते हैं? यूपीएससी का। आप मान लो अगर हम उत्तर प्रदेश के किसी बोर्ड का हम सिलेबस लेते तो वो सिलेबस जो होता है वो दूसरी जगह
मध्य प्रदेश के सिलेबस से डिफरेंट होता है ना, सब्जेक्ट एक होने के बाद भी सिलेबस सब जगह के अलग अलग होते, लेकिन यूपीएससी का सिलेबस जो है वो पूरे इंडिया में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। तो यूपीएससी सिलेबस महत्वपूर्ण है कि नहीं है? तो यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बोलो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिस्ट्री यूपीएससी सिलेबस, हिस्ट्री यूपीएससी सिलेबस। जियोग्राफी यूपीएससी सिलेबस, जियोग्राफी यूपीएससी सिलेबस। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस यूपीएससी सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस यूपीएससी सिलेबस। 3.3 येलो बिहार 40 तमिलनाडु 39 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, 3.3 येलो बिहार 40 तमिलनाडु 39 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, 3.3 येलो बिहार 40 तमिलनाडु 39 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, 3.3 येलो बिहार तमिलनाडु 39 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। 3.4 ऑल इंडिया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 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 3.5 इंडिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, 3.6 दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 3.6 दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये 6 सिलेबस के वीडियो ह्यूमा उमा के येलो टीवी चैनल पे दिए गए हैं, ये उमा के को देखना तो कंपलसरी है ही, बाकी सब लोग भी बीच बीच में देखेंगे। येलो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस सोशल, 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 येलो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस सोशल। जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज। DR11.com, 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 DR11.com। Employment, 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 Employment। इस तस्वीर से क्या समझ में आ रहा है आपको, बताओ क्या 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 चीजें हैं इसमें, तस्वीर में क्या क्या है? ये देखिए गाना, ये गाने का सिंबल है ना, गाना दिया होता है ऐसा सिंबल होता है, हाँ। तो ये क्या कर रहा है, गाने का सिंबल हो गया। ये तस्वीर में क्या लग रहा है, तैर रहे हैं, तैरने का कंपटीशन हो रहा है, क्या सिंबल में लग रहा है, तैरने का कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। ये साइंस में एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना। ये पेंसिल है यानी कि लिखाई पढ़ाई का सिंबल है, ये किताब है तो ये क्या है, यही पढ़ाई का सिंबल है। ये क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। ये कंप्यूटर है, ये कोई काम धंधे से रिलेटेड कोई है, ये भी ये पढ़ाई है, ये काम धंधे से रिलेटेड है, ये काम धंधे से रिलेटेड है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो जनरल स्टडीज में सभी चीज की जो डेली बेस पे जो उपयोग होने वाली चीजें होती है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया क्या होता है जनरल स्टडीज? जनरल स्टडीज में इंटरनेशनल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो, जो डेली घटनाएं घटने वाली होती है सारे सब्जेक्टों की और सभी चीजों की जो उपयोगी जानकारी है वो जनरल स्टडी में हम स्टडी करते हैं। समझ में आ गया जनरल स्टडीज? हाँ। जनरल स्टडीज में हमें बिल्कुल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम अगर हम जनरल स्टडी पढ़ रहे हैं तो ये फुटबॉल का एक्सपर्ट है, ये अच्छा खेल सकता है,
तो हमें जरूरत नहीं है कि हम फुटबॉल में हम अच्छा खेलेंगे या हम अच्छा तैराक बनेंगे, हमें बस इतना है कि जनरल स्टडीज में हम सब चीज की नॉलेज हो जाए। तो अब क्लियर होगा जनरल स्टडीज इस तस्वीर से? हाँ। ये जनरल स्टडीज में, ये जनरल स्टडीज की बुक है, ये इस बुक में सब सारी चीजों की थोड़ी 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 जानकारी इसके अंदर दी हुई है जितनी एक आदमी के लिए जरूरी होती है। ठीक है, ये तस्वीर पहचान गए होंगे आप, कौन है ये? उमा की तस्वीर क्यों दी गई है इस बनमानुष के साथ? क्योंकि दोनों भाई बहन है क्या? नहीं, ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री उमा का सब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए हिस्ट्री क्या होती है, ये इस तस्वीरों में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? पहली तस्वीर जो हमें निकल रही है ये गुफा की तरह लग रही है। क्या लग रही है ये? गुफा की तरह। तो ये क्या दिखाता है? पहले जो व्यक्ति होते थे, जो लोग होते थे, वो इस तरह दिखते थे और गुफाओं में, पहाड़ों पे, पेड़ों में, जंगलों में, नदियों के किनारे रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? गुफा में, जंगल में, नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे, नेचुरल जगह पर। पहले बिल्डिंग विल्डिंग नहीं बनाना आता था, ना बना पाते थे। और ये क्या है? भैंस की या किसी जानवर की मुंडी है। इस ये क्या, इसका मतलब क्या है कि जानवर को मार के खाते थे वो लोग। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे हथियार बनाए, पत्थर के पहले हथियार बनाए, फिर लोहे के हथियार बनाए, फिर और पीतल के, तांबे के हथियार बनाए, फिर उन्होंने पत्थर का, लकड़ी का इस्तेमाल करना सीखा, फिर आग का इस्तेमाल करना सीखा, फिर जानवर का मार के इस्तेमाल करना सीखा, फिर खेती थोड़ी बहुत करनी सीख गई, फिर यहाँ फिर थोड़ी सभ्यता डेवलप हुई, तो थोड़ा तो घर टाइप का बनाने लग गए, थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का काम करने लग गए, थोड़े बर्तन बनाने लग गए, फिर हथियार बनाने लग गए, फिर फैमिली के रूप में रहने लग गए, फिर ऐसे और सभ्यता बढ़ी, तो फिर उन्होंने और उस समूहों में, समाज में रहना स्टार्ट किया, जानवर, पालतू जानवर रखने स्टार्ट कर लिए, फिर उन्होंने कल्चर डेवलप की, फिर उन्होंने कलाएं डेवलप की। ठीक है, और ऐसे होते होते ये सिंबल से क्या लग रहा है कि ये अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, है ना? ये नाव है ना, समुद्री जहाज लग रही है ना। तो ये जो पूरी है ये हिस्ट्री दिखाती है। क्या दिखाती है तस्वीर? पूरी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री किसके पास है? उमा चौधरी के पास। तो ये उमा चौधरी ने ये देखिए हाथ बढ़ा के पूरी हिस्ट्री आपको दो मिनट में समझा दी। आप ये यहाँ पर फिर ये कौन है? उमा चौधरी। तो उमा चौधरी बता रही है कि जनरल स्टडीज में ये ज्योग्राफी भी होती है। तो ज्योग्राफी क्या चीज होती है? इसमें देखो, ज्योग्राफी जो है वो पृथ्वी में जो पहाड़ है, नदियां हैं, खेती है, ये सब स्टडी हम किसमें करते हैं? ज्योग्राफी में। नापते कैसे हैं? तूफान कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितने टेम्परेचर का है, भूकंप कब आने वाला है, भूकंप कितने टेम्परेचर का है, और जो ग्रह हैं, ग्रहों का, ये इससे ग्रहों की स्टडी की जाती है, धरती की जो अलग अलग परतें हैं उसकी स्टडी की जाती है, हर चीज को नापा जाता है, ये ग्लोब है, पूरी पृथ्वी की भी स्टडी की जाती है, पूरे इस आकाशगंगा की भी स्टडी की जाती है। तो ये सारी स्टडी किसके तहत की जाती है? ज्योग्राफी। पहाड़ों की जाती है, ये पहाड़ है, ये जो है ये दिशा दिखाने वाला यंत्र है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, ये तूफान की स्टडी, सूर्य की स्टडी, बारिश की स्टडी, कहाँ पर समुद्र है, कहाँ क्या है, ये सारी स्टडी किस में की जाती है? ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी समझ में आ गया? बोलो एक बार, ज्योग्राफी। 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 अब आया पॉलिटिक्स। क्या हुआ? पॉलिटिक्स। यूपीएससी का सिलेबस क्या था?
पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, क्या था? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो पॉलिटिकल साइंस का पहला जो आधार होता है वो क्या होता है? संविधान होता है। पॉलिटिकल साइंस का पहला आधार क्या होता है? संविधान। इस वजह से होता है क्योंकि पॉलिटिक्स जो करता है वो उसे सत्ता पानी होती है, और सत्ता पाने के बाद उसे सत्ता चलाना होता है, और वो सत्ता जो चलाएगा वो संविधान के हिसाब से ही चलाना पड़ेगा। तो संविधान की नॉलेज नहीं है तो वो सत्ता ठीक से नहीं चला सकता। तो एक पॉलिटिकल पर्सन को बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, वोट डलवाना होता है, प्रचार करना होता है, उसकी खबरें न्यूज में आती हैं, उसके ऊपर केस भी होते हैं, लोगों के मुकदमे भी उन्हें झेलना पड़ता है, भाषण देना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है, ये इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बहुत सारे काम किसको करने पड़ते हैं? एक पॉलिटिकल पर्सन को, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ये पॉलिटिकल से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है। अब ये सोचोगे कि टी शर्ट क्यों है, तो इलेक्शन में अपने पार्टी का लोग टी शर्ट छपवा के भी बांटते हैं, बैलून बांटते हैं, बैलून लगाते हैं। तो क्लियर हो गया पॉलिटिक्स? हाँ। तो ये पॉलिटिक्स पॉलिटिकल जर्नल टर्म है, लेकिन हमें स्टडी जो करनी है यूपीएससी से के हिसाब से करनी है। तो यूपीएससी का क्या नाम है? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा कि देश का जो प्रशासन चलता है किससे के हिसाब से चलता है? संविधान के हिसाब से। तो उसी तरह पूरे दुनिया के देश जो आपस में ना लड़े हैं उसके लिए भी इंटरनेशनल कानून बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? इंटरनेशनल। तो जो इंटरनेशनल कानून बनाए गए हैं उसमें कुछ स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि भाई मानव को कम से कम इतनी सुविधाएं देनी जरूरी है, और हम पशु पक्षियों को भी नहीं मार सकते, अंधाधुंध हम पेड़ पौधे नहीं काट सकते, ऐसे बहुत सारी गाइडलाइन बनाई गई है। वो किसमें बनाई गई है? इंटरनेशनल लेवल पे। कहां पर बनाई गई है? इंटरनेशनल लेवल पर। तो उनको पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, अगर जो देश नहीं मानेगा तो पूरी दुनिया के लोग उन पे दबाव बनाते हैं कि वो उन कानूनों को मांगने। क्यों? क्योंकि कोई एक देश अगर कानून तोड़ता है वो, तो पूरी दुनिया का देश उससे प्रभावित होते हैं। कैसे? मान लो इंडिया इंटरनेशनल कानूनों को तोड़ते हुए बहुत पोल्यूशन अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में फैलाने लगे, और वो कहते जी मैं तो अपने भारत में फैला रहा हूं, आप लोग क्यों कर रहे हो? तो उस पोल्यूशन से क्या होगा? पूरी दुनिया का एनवायरनमेंट खराब होगा। क्या होगा? पूरी दुनिया का एनवायरनमेंट खराब होगा। इसलिए जो इंटरनेशनल लॉ है उसे दुनिया के सभी देशों को मानना पड़ता है, यहां तक कि जो वर्ल्ड लीडर अमेरिका है, चाइना है, रसिया है, इन लोगों को भी मानना पड़ता है। क्लियर? हाँ। अब है लक्ष्मी चौधरी का सब्जेक्ट। किनका सब्जेक्ट? लक्ष्मी चौधरी का। तो लक्ष्मी चौधरी का सब्जेक्ट जो है वो नेचुरल साइंस है। क्या है? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस जो होता है वो प्रकृति को होता है। नेचुरल साइंस का मतलब प्रकृति का अध्ययन है ना। तो जितनी भी चीजें होती हैं, दो तरह की चीजें होती हैं, एक प्राकृतिक चीजें होती हैं जिसे व्यक्ति नहीं बनाता, अपने आप बन जाती हैं, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, समुद्र, पृथ्वी, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। तो इन सब चीजों की स्टडी हम साइंटिफिक तरीके से कहां पर करते हैं? नेचुरल साइंस में। अब यहां पर लक्ष्मी चौधरी ने कान बंद कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल चीजों को बर्बाद करके पीछे देखे, केमिकल स्टडी करके, केमिकल एक्सपेरिमेंट करके प्रकृति को बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें प्रकृति को बर्बाद नहीं करना है, कम से कम कृत्रिम चीजों का इस्तेमाल करना है। तो लक्ष्मी के तीन ही वीडियो हैं, एक मेन सिलेबस का है, दूसरा भी मेन सिलेबस का है, और तीसरा जो इनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। बस तीन सिलेबस हैं, और इनका यूपीएससी का जो सिलेबस है वो तीन है, तीनों साइंस के सब्जेक्ट हैं। पहला है फिजिक्स यूपीएससी सिलेबस, दूसरा है
ये बायोलॉजी है, लेकिन यूपीएससी में बायोलॉजी वर्ड नहीं दिया गया है, वहां पर वर्ड दिया गया है मेडिकल साइंस। ठीक है, तो हम इसे मेडिकल साइंस लिखेंगे, लेकिन बायोलॉजी ही एक्सपेंड होके मेडिकल साइंस बन जाती है। और तीसरा केमिस्ट्री है। ठीक है, क्लियर? हाँ। बोलो मेरे पीछे। 4.1 ग्रीन नेचुरल साइंस पार्ट वन, नेचुरल साइंस। 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 4.2 ग्रीन नेचुरल साइंस पार्ट टू, सेवन सिलेबस। 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 फिजिक्स, ये सिलेबस हमने वीडियो बनाया हुआ है ना तीनों का, तो इसमें इनको बनाने की जरूरत नहीं है, बस अपना स्टडी करने की जरूरत है। फिजिक्स यूपीएससी सिलेबस। फिजिक्स यूपीएससी सिलेबस। फिजिक्स यूपीएससी सिलेबस। फिजिक्स यूपीएससी सिलेबस। मेडिकल साइंस यूपीएससी सिलेबस। मेडिकल साइंस यूपीएससी सिलेबस। केमिस्ट्री यूपीएससी सिलेबस। केमिस्ट्री यूपीएससी सिलेबस। 4.3 ग्रीन मध्य प्रदेश 29, कर्नाटका 28, गुजरात 26, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 4.3 ग्रीन मध्य प्रदेश 29, कर्नाटका 28, गुजरात 26, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 4.3 ग्रीन मध्य प्रदेश 29, कर्नाटका 28, गुजरात 26, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 4.3 ग्रीन मध्य प्रदेश 29, कर्नाटका 28, गुजरात 26, नई वेबसाइट इनके पास आई है तो वो दी गई है CCCDRA.com। CCCDRA.com। अब नेचुरल साइंस में हम क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं, वो सारी चीजें दी गई है। ये सारे चीज जो है प्रकृति में अपने आप ही क्रिएट होती हैं और खत्म होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या का स्टडी हम किस सब्जेक्ट में करते हैं? नेचुरल साइंस में। आप इन्होंने लक्ष्मी चौधरी ने एक पत्ता ले रखा है, ये भी नेचुरली हुआ है। और इस फोटो में पेड़ दिए गए हैं, पक्षी दिए गए हैं, मछली दिया गया है, मेंढक दिया गया है, हाथी दिया गया है। तो ह्यूमन बीइंग का स्टडी करते हैं, जानवरों का स्टडी करते हैं, पेड़ पौधों का स्टडी करते हैं, और जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनका स्टडी करते हैं। तो हम ये सारी स्टडी किसके तहत करते हैं? नेचुरल साइंस। तो ये सारी चीजें जो है हम नेचुरल साइंस में स्टडी करते हैं। ठीक है, नेचुरल साइंस में फिजिक्स क्या है? फिजिक्स किसका सब्जेक्ट है? लक्ष्मी चौधरी का। फिजिक्स किसका स्टडी है? इस लक्ष्मी चौधरी का। तो फिजिक्स में क्या होता है कि फिजिक्स में फिजिकल वैल्यू क्या है वो हम नापते हैं। तो फिजिक्स में क्या चीज किया जाता है? नापा जाता है। नापा जाता है। जैसे बिजली को कैसे नापा जाता है, जल को कैसे नापा जाता है, या गैस कैसे नापा जाएगा, या और चीजें कैसे नापी जाएंगी, गुरुत्वाकर्षण क्या है कैसे नापा जाएगा। तो ये सारी चीजों का, एटम के बारे में स्टडी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में स्टडी, ये सारे, ग्रेविटी के बारे में स्टडी, गैस के बारे में स्टडी, वाटर स्टडी, ये सब किस में आता है? फिजिक्स में। अब ये जो है मैप ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी किसका सब्जेक्ट है? लक्ष्मी चौधरी का। तो बायोलॉजी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं? मेनली जो है हम पेड़ पौधों का, ह्यूमन बीइंग का, जानवरों का,
है ना। अब बच्चा कैसे बना, कैसे बढ़ा, कैसे पैदा हुआ, कैसे बड़ा बना, फिर कैसे खत्म हो गया, है ना। टाइगर के कैसे हुई, बोटोनी में हम पेड़ पौधे की स्टडी करते हुए हैं। तो ये सारे नाम, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। ये जैसे बोटोनी है, जूलॉजी है, ग्रुप्स हैं, है ना, फिजियोलॉजी है। ये सारी जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आप बाद में इसको स्टडी कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है किस चीज में आती है, बायोलॉजी में। बस मेनली ये ध्यान रख लो कि शरीर की स्टडी कैसे की जाती है, जानवरों का इलाज, क्योंकि हम शरीर को, जानवरों के शरीर को, पौधों को अच्छी तरह समझेंगे तभी तो उनकी बीमारियों के बारे में समझेंगे और उनका इलाज कर पाएंगे। तो बायोलॉजी में इनकी स्टडी की जाती है। क्लियर हो गया बायोलॉजी? हाँ। उसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसके पास है, लक्ष्मी के पास। किसके पास है, लक्ष्मी। तो केमिस्ट्री में किस चीज का स्टडी किया जाता है, केमिकल का। किस चीज का स्टडी किया जाता है, केमिकल का, है ना। जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें सारे टेबल सारे केमिकल दिए गए हैं और ये सब बाकी ये सारी जितनी भी चीजें बनी है केमिकल कॉम्पोजिशन से बनी है। किस चीज से बनी है, कुछ चीजें तो डायरेक्ट एक केमिकल से बन गई हैं, कुछ चीजें दो केमिकल मिला के बनाई गई हैं, कुछ चीजें तीन केमिकल मिला के बनाई गई हैं। तो जो मेन जो बेसिक वो केमिकल्स हैं वो किस चीज में आते हैं, द पीरियोडिक टेबल। किस चीज में आते हैं, द पीरियोडिक टेबल। तो केमिस्ट्री स्टडी करने का पहला स्टेप है कि हम पीरियोडिक टेबल लर्न करें। बिना पीरियोडिक टेबल लर्न किए हम केमिस्ट्री स्टडी नहीं कर सकते। तो केमिस्ट्री स्टडी करने का पहला स्टेप क्या है, पीरियोडिक टेबल लर्न करना, ताकि हम जो मेन केमिकल्स हैं उनको हम जान जाएं, उसके बाद हम उसके आगे की स्टडी करें, फिर हम हर केमिकल के गुण के बारे में जाने और चीजें उनके बारे में जाने। क्लियर? केमिस्ट्री समझ में आया? किसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, लक्ष्मी का। अब है मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेसेस। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेसेस। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेसेस वी चौधरी जी के पास है, किनके पास है, वी चौधरी के पास। तो इनकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, तो आप पता लग जाएगा कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेसेस वी चौधरी जी के पास है। किनके पास है, वी चौधरी जी के पास। तो क्या है, इनके पास है केवल दो ही वीडियो हैं। कितने वीडियो हैं, दो। एक वीडियो मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस सिलेबस का है और एक वीडियो उनके जियोग्राफिकल एरिए का है और एक वीडियो ये बाद में बना सकते हैं मैथमेटिक्स यूपीएससी सिलेबस का या फिर इकोनॉमिक्स यूपीएससी सिलेबस का या कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी यूपीएससी सिलेबस का। यानी कि इन तीनों का एक वीडियो बाद में बनाया जा सकता है ताकि उसको बीच बीच में देखने से सिलेबस हमारा रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा कि हमें ये टॉपिक स्टडी कर चुके हैं और हम ये टॉपिक हमें स्टडी करना है। तो वीडियो बनने का ये फायदा होता है कि हम कभी भी सोते वक्त, बैठे वक्त, बस में चलते हुए, खाली समय में वीडियो हम देखेंगे तो वीडियो देखने में आसानी होता है, क्योंकि पढ़ने में, किताब लेके पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम महसूस होती है, पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन वीडियो हम आसानी से देख सकते हैं। तो बोलो 5.1 ब्लू मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस सिलेबस पार्ट 1 आईटी प्लान। 5.1 ब्लू मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस सिलेबस पार्ट 1 आईटी प्लान। 5.1 ब्लू मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस सिलेबस पार्ट 1 आईटी प्लान।
5.1 ब्लू मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस सिलेबस पार्ट वन आईटी प्लान 5.1 ब्लू मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस सिलेबस पार्ट 1 आईटी प्लान का मतलब ये है कि ये वीडियो में अनेकों तरह के आईटी सेक्टर की कंपनी एस्टेब्लिश करने के उसमें आइडिया दिए गए हैं और इस वीडियो को पालन करके हम आसानी से कोई भी आईटी कंपनी हम बना सकते हैं। मैथमेटिक्स यूपीएससी सिलेबस, इकोनॉमिक्स यूपीएससी सिलेबस, इकोनॉमिक्स यूपीएससी सिलेबस, इनके पास मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स एंड बिजनेसेस है तो यहाँ पर दिया गया है मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब ही बिजनेस होता है ना, बिजनेस से रिलेटेड ही होता है। तो क्योंकि बिजनेसेस जो है वो यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, है ना, तो हमने बिजनेस की जगह कौन सा ले लिया है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में क्या होता है कि बहुत हार्ड मैथ नहीं होती, हल्की मैथ होती है, मेनली कॉमर्स पे उसमें फोकस किया जाता है, कॉमर्स और बिजनेसेस पे, ठीक है। तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी यूपीएससी सिलेबस, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी यूपीएससी सिलेबस, मैथमेटिक्स यूपीएससी सिलेबस, मैथमेटिक्स यूपीएससी सिलेबस, इकोनॉमिक्स यूपीएससी सिलेबस, इकोनॉमिक्स यूपीएससी सिलेबस, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी यूपीएससी सिलेबस, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी यूपीएससी सिलेबस। 5.2 ब्लू आंध्र प्रदेश 25, राजस्थान 25, उड़ीसा 21 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 5.2 ब्लू आंध्र प्रदेश 25, राजस्थान 25, उड़ीसा 21 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 5.2 ब्लू आंध्र प्रदेश 25, राजस्थान 25, उड़ीसा 21 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 5.2 ब्लू आंध्र प्रदेश 25, राजस्थान 25, ये केवल दो ही वीडियो है, तीसरा वीडियो ये बनाना है यूपीएससी सिलेबस का, वो बाद में बना लेंगे। ब्लू रेनबो वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी, ब्लू रेनबो वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी, अब यहाँ ब्लू रेनबो वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी का जो है वो यहाँ पर आईटी प्लान में वीडियो बना के दिया गया है, वो कंपनी कैसे चलेगी उसको हम अगर हम ठीक से ये वीडियो के हिसाब से काम करते रहे तो पक्का कंपनी हमारी स्टेब्लिश हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि हम काम करते हैं छोड़ देते हैं, करते हैं छोड़ देते हैं, करते हैं छोड़ देते हैं, तो ऐसे करेंगे छोड़ेंगे तो कोई हमें नौकरी पर रखेगा नहीं, नौकरी से निकाल देगा, है ना, तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो हमें नौकरी में क्या करना पड़ता है, रोज जाना पड़ता है और 9 से 5 कम से कम काम करना पड़ता है, है ना, करना पड़ता नहीं करना पड़ता हाँ। तो जितने डेडिकेशन से हम नौकरी करते हैं उतने डेडिकेशन से अगर हम ये जो ये प्लान है इस प्लान के हिसाब से किसी एक सेक्टर को पकड़ के डेली बेसिस पे 9 से 5 काम करके अगर हम काम करते हैं तो ये आईटी प्लान आईटी सेक्टर की कंपनी हमारी तैयार हो जाएगी। क्लियर हो गया हाँ। तो हमारी कंपनी क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि हम काम करते हैं छोड़ते हैं। तो ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, या तो मत ही करो या फिर करो ही, ठीक है। ब्लू रेनबो वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी, ब्लू रेनबो वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी ये कंपनी का पूरा प्लान तैयार है, सब चीज तैयार है, प्रैक्टिस कर ली, सीख लिया, अब हमारे को केवल करना बाकी है, ठीक है। ब्लू रेनबो वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी, ब्लू रेनबो वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स एंड बिजनेसेस, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स एंड बिजनेसेस Ren11.com Fundamental Services 7 services है हमारे, तो एक एक services एक में डाला गया है, तो जिसके पास जो services है उसका ध्यान रखें। अब देखिए पहला क्या था, वंदना जी का पहला क्या था, Mathematics Economics and Business, तो पहला क्या था, Mathematics तो अगर कोई ध्यान से सीखे
तो मैथमेटिक्स सबसे आसान है। क्या है सबसे आसान? मैथमेटिक्स। इस वजह से गांव के बच्चे कोई मैथमेटिक्स में अच्छे निकल जाते हैं तो वो शहरों को बड़े बड़े स्कूल के बच्चों को भी बहुत आसानी से हरा देते हैं। तो मैथमेटिक्स में केवल ये 10 नंबर ही हैं। बोलो जीरो जीरो एक एक दो दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ इन 10 नंबरों का ही पूरा मैथमेटिक्स है। इन 10 नंबरों से ही हम करते हैं भाग। बोलो मेरे पीछे जमा जमा जोड़ जोड़ घटा घटा गुना गुना भाग भाग प्रतिशत प्रतिशत वर्गमूल वर्गमूल। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, यही फंडामेंटल चीजें हैं। बाकी सारे के सारे सवालों में इन्हीं नंबरों का जोड़ घटा गुना भाग ही होता है। ठीक है, मिलनी तो चार ही है, ये परसेंटेज भी है वो इन चारों का इस्तेमाल करके किया जाता है, वर्गमूल भी इन्हीं चारों का इस्तेमाल करके निकाला जाता है। तो मेन क्या है? जोड़ घटा गुना भाग। क्या है? जोड़ घटा गुना भाग। तो मैथ इतना आसान है, सबसे आसान मैथ है, बस इतना सही मैथ है। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा मैथ? उसके बाद क्या है? इकोनॉमिक्स। क्या है? इकोनॉमिक्स। इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था। हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था, है ना? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी को अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र को बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स। किसको बोलते हैं? अर्थशास्त्र को। ठीक है, तो अर्थशास्त्र अगर हम वर्ड सुनते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ी चीज है ना? तो उसकी बेसिक चीज समझो। बेसिक चीज क्या है? कि हमारी इनकम कितनी हो रही है और हमारी खर्चा कितना हो रहा है। बेसिक चीज क्या हो रही है? कि हमारा इनकम कितना हो रहा है और हमारा खर्चा कितना हो रहा है। तो यही जो है इनकम और जो खर्चा है, वो कमाई कितनी है और खर्चा कितना है, वो हम अपने राष्ट्र के नाते हैं, तो वो थोड़ी जटिल समस्या हो जाती है। जटिल समस्या कैसे होती है? क्योंकि बहुत सारे तरीकों से इनकम आती है और बहुत सारे तरीकों से उसको खर्च किया जाता है। तो राष्ट्र की इकोनॉमी स्टडी करना क्या हो जाता है? कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको हम छोटे लेवल पे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति को अगर कुछ पैसे, लिमिटेड पैसे मिलते हैं, उसे महीने भर का खर्चा चलाना होगा, तो वो अपनी योजना बनाएगा कि मैं किस किस चीजों को पहले करूं, बाद में करूं, किस चीजों के लिए पैसा मैं बचा कर रखूं और आगे किस चीज के लिए मैं अपने भविष्य के लिए के पैसे कैसे बचाऊं। ये सारी चीजें हम किस में करते हैं? इकोनॉमिक्स में, है ना? तो यहाँ पर हमने फोटो दिखाई गई है, ये किस चीज का दिखाया गया है? होम इकोनॉमिक्स का। किसका दिखा गया है? होम इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जब हम स्टडी करते हैं तो हम होम की स्टडी नहीं करते हैं। हम इकोनॉमिक्स जो स्टडी करते हैं वो नेशन की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? नेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो नेशन की हम स्टडी करते हैं तो वो थोड़ा जटिल होता है। तो हम कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो हम इकोनॉमिक्स को हम आसानी से समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड होते हैं, उसको जैसे जीडीपी नेट जीडीपी जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, वो हमें स्टडी करना पड़ता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स समझ में आ गया? हाँ। अब उसके बाद बिजनेसेस क्या होता है? हर किसी को अपनी गृहस्थी चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। क्या करने की जरूरत होती है? पैसों की जरूरत होती है। तो पैसा कमाने के लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ता है ना? तो हम अगर कोई व्यापार करते हैं,
पैसा कमाने के लिए कोई सामान हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या उस सामान को हम बेचते हैं, तो वो क्या कहलाता है? बिजनेसेस। तो ये कुछ तस्वीरें हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग एक्टिविटी करके अपना बिजनेस, अलग अलग तरह का बिजनेस करके अपनी दिनचर्या चला रहे हैं, है ना। तो ये बिजनेसेस क्लियर हो गया? हाँ। है ना। तो बिजनेसेस एक तरह के नहीं है, हजारों तरीके के हैं। तो जिसको जो भी पसंद है अपने हिसाब से कोई बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी सबसे मेन टीचर एंड लीडर का सब्जेक्ट आ गया। तो कौन है सबसे मेन टीचर एंड लीडर? प्रिया, प्रिया चौधरी। कौन है सबसे मेन टीचर एंड लीडर? प्रिया चौधरी। पहले सबसे मेन टीचर एंड लीडर कौन था? हर्षिता चौधरी। हर्षिता चौधरी क्यों थी? क्योंकि वो सबसे छोटी थी, है ना। तो हम जो ये फॉर्मूला अपना रहे हैं, ये फॉर्मूले के पीछे सोच ये है, नेचुरल सोच है। क्या, कौन सी सोच है? नेचुरल। क्योंकि हमने नेचुरल, हम नेचर में विश्वास रखते हैं, तो हमने नाम भी लिया हुआ है रेनबो, प्राकृतिक नाम लिया हुआ है। हमने प्लानिंग भी नेचुरल तरीके से की हुई है। तो नेचुरल चीजें जो है वो ये है कि जो जितना छोटा होता है उसमें लर्न करने की, समझने की, समझाने की शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। किसमें ज्यादा होती है? जो जितना छोटा होता है। और जो जितना बड़ा होता चला जाता है उसके लर्न करने की, सीखने की, सिखाने की शक्ति उतनी ही कम होती चली जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बच्चा एक साल और दो साल के बीच में एक लैंग्वेज, दुनिया की कोई सी भी एक लैंग्वेज उसे सिखाइए, वो एक साल में वो लैंग्वेज अच्छी तरीके से समझ जाता है, बोलने लग जाता है, सीख जाता है। सीखता है कि नहीं सीखता? हाँ। अब वो एक लैंग्वेज 70 साल के व्यक्ति को आप सिखाओगे तो वो पूरा कभी नहीं सीख पाएगा। अगर वो सीख भी जाता है तो उसकी एक्सेंट अलग हो जाएगी, उस जैसे ही वो बोलेगा वैसे ही पता लग जाएगा कि ये इस लैंग्वेज को बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन जो चीज एक साल और दो साल के बीच में जो बच्चा सीखा होगा वो बड़ा होके कहीं नहीं बोलेगा तो कोई नहीं पहचानेगा। सब क्या बोलेंगे? इसकी यही भाषा है। क्या बोलेंगे? इसकी यही भाषा है। तो लर्न करने की कैपेसिटी किसमें होती है? छोटे बच्चों में। तो जो जितना छोटा बच्चा होता है वो उतनी ज्यादा चीजें लर्न करता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारी मेन टीचर कौन है? प्रिया चौधरी। इनका है 6.1 इंडिगो लॉ एंड गवर्नेंस। इनकी तीन वीडियो हैं, चार वीडियो हैं, यहां पर 6.4 आएगा, तो इनकी चार वीडियो हैं। तो 6.1 इंडिगो लॉ एंड गवर्नेंस सिलेबस, 6.1 इंडिगो लॉ एंड गवर्नेंस सिलेबस। लॉ यूपीएससी सिलेबस। ये सिलेबस का भी वीडियो नहीं बना है, इसको हम वीडियो बाद में बना लेंगे, ठीक है। तो यूपीएससी सिलेबस के बहुत सारे सब्जेक्टों के बन चुके हैं, बहुत सारे सब्जेक्टों के नहीं बने हैं, और भी बहुत सारी चीजें किसी में इन्वॉल्व हुई है और दूसरे सब्जेक्ट में वो इन्वॉल्व नहीं है। तो एक दूसरे का देखकर अपने आप भी कुछ वीडियो आप लोग अपने खुद ही बनाओगे। क्या करना है? कुछ जिसकी जो चीजें छूट गई है वो खुद वीडियो बनाएंगे। क्या करेंगे? खुद वीडियो बनाएंगे। जिसकी जो चीजें छूट गई है वो खुद वीडियो बनाएंगे। जिसकी जो चीजें छूट गई है वो खुद वीडियो बनाएंगे। लो यूपीएससी सिलेबस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी सिलेबस। स्टेटिस्टिक्स
स्टेटिस्टिक्स यूपीएससी सिलेबस। दूसरा वीडियो 6.2 इंडिगो, केरला 20, तेलंगाना 17, आसाम 14, झारखंड 14, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। तीसरा, क्योंकि लॉ एंड गवर्नेंस इनके प्रिया चौधरी के पास है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वीडियो है वो इन्हीं के पास आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी एक अपने आप में एक लॉ है, तो सबसे आधारभूत लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। 6.3 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश। सिक्स पॉइंट फोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी। 6.4 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी। इंडिगो एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी। 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 लॉ एंड गवर्नेंस। acdp.in सोशल एंड रीजनल रिप्रेजेंटेशन। तो आप इनको पहचान रहे हैं, ये एलियन की तरह लग रहे हैं, लग रहा है कि स्पेस पे गए हुए हैं, लेकिन ये स्पेस पे नहीं गए हैं। क्या कर रहे हैं? ये खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। क्या नाम है इनका? प्रिया चौधरी। तो ये जो प्रिया चौधरी हैं, इनका सब्जेक्ट है लॉ एंड गवर्नेंस। पहला क्या है? लॉ। तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं लॉ से रिलेटेड ही दी गई हैं। तो लॉ में क्या होता है कि कानून होता है, कानून को कोई लागू करता है, कोई उल्लंघन करता है, जो उल्लंघन करता है उसको सजा दिया जाता है। उसको सजा कौन देता है? मजिस्ट्रेट, जज। ये मजिस्ट्रेट साहब हैं। यहाँ ये पुलिस की गन है, हथकड़ी है, ये इससे ऑर्डर करते हैं, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, ये कानून सबकी नजर में बराबर है, उसका सिंबल है। तो ये लॉकअप है, तो ये सारी चीजें हैं। ये जेल है, ये कोर्ट है, ये बहुत सारी कानून की किताबें हैं, ये डिग्री लेनी पड़ती है लॉ की। तो ये सारी वोकैबुलरी किस चीज से रिलेटेड है? लॉ से। किससे रिलेटेड है? लॉ से। तो लॉ समझ में आ गया तुमको? हाँ। तो और समझने के लिए जब कोई पिक्चर देखो तो उसमें सीन आता है कि कोर्ट का सीन आता है कि नहीं आता? आता है। तो अपने लॉ को उससे रिलेट करो। कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हो, पुलिस वाला आता है, किसी को पकड़ के लेके जाता है, कोई क्राइम करता है, तो रेड लाइट पे कोई वो तो रेड लाइट फांग के चल जाता है, तो उसको चलान कर जाते हैं। तो चलान किसके तहत किया जाता है? किसी कानून के तहत। कोई भी काम बिना कानून के नहीं होता। किस चीज से होता है? सारे कानून। हर चीज का कानून है, और सब लोग उस कानून के हिसाब से सजा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। समझ में आ गया लॉ? हाँ। किनका है ये? प्रिया चौधरी का। उसके बाद बात आती है गवर्नेंस की। गवर्नेंस का मतलब, गवर्नेंस की बात आती है, किस चीज की बात आती है? गवर्नेंस की। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि शासन चलाना। क्या करना? शासन चलाना। तो शासन चलाने के लिए संविधान दिया गया है, लेकिन समय समय में परिस्थितियां चेंज होती है, तो उसमें भी संविधान में थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, कानून में चेंजेस करने होते हैं। तो चेंज करने का जिम्मेवारी किसको दी गई है? रिप्रेजेंटेटिव को। किसको दी गई है? रिप्रेजेंटेटिव को। वो किसके रिप्रेजेंटेटिव है?
लोगों के, किसके रिप्रेजेंटेटिव है? लोगों के। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको लोग जैसा कहेंगे वैसा जाके वो लोग उसमें चेंज करेंगे, और या फिर जो उस कानून ऑलरेडी है उसके हिसाब से अपना प्लानिंग करके ये शहर का प्रशासन चलाएंगे, शहर का, गांव का, देश का प्रशासन चलाएंगे। तो इसमें क्या क्या लोग कर रहे हैं, ये पानी दे रहा है, ये कुछ और कटिंग कर रहा है, ये कोई और काम कर रहा है, ये पूरा एक शहर है। तो इस पूरे शहर को चलाने के लिए बहुत सारे काम कर क्या करने पड़ते हैं, गवर्नेंस करने पड़ते हैं। तो वो काम सब लोग अपना अपना काम करते रहे, कोई किसी का चोरी ना करे, वो सब चीजें देखने के लिए एक सिस्टमेटिक प्लानिंग की जरूरत होती है। तो यहाँ ये प्लानिंग कर रहे हैं और ये यहाँ पर लोग अपना अपना इनके प्लानिंग की वजह से, इनके सिस्टमेटिक चीजों को अरेंज करवाने की वजह से ये सब चीजें ठीक से हो रही हैं। गवर्नेंस पता लग गया? हाँ। लेकिन गवर्नेंस का अगर एक वर्ड में लोगों की बात क्या कहते हैं, जो और लोग होते हैं जो कहते हैं, वो गवर्नेंस का मतलब मानते हैं कि कोई एक व्यक्ति, पुलिस या कोई डिपार्टमेंट वो लोगों को सख्ती से काम करवाए, है ना। लेकिन क्योंकि सबको कानून के हिसाब से काम करना है तो सख्ती वर्ड ही नहीं आएगा। कानून का उल्लंघन तो जो भी करेगा उसको सजा मिलेगी, सख्ती वर्ड कहाँ आया, है ना। सख्त होने का मतलब क्या हुआ, सख्त तो कोई हो ही नहीं सकता, ना कोई सख्त हो सकता है ना नरम हो सकता है। मान लो कि एक मोबाइल चुराने की सजा 1 साल है, कितनी सजा है 1 साल। तो कोई कहे जी अब सख्ती से शासन करो, तो भैया सख्ती से शासन करने का मतलब क्या है कि 5 साल इसको सजा दे दो, यही हुआ ना। या कम सख्ती से शासन करो तो यानी कि 6 महीने की सजा दे दो, है ना। तो ना ही 5 साल कर सकते हैं और ना ही 6 महीने कर सकते हैं, कितना करना पड़ेगा 1 साल। तो ना यहाँ पर सख्ती का मतलब है और ना ही यहाँ पर नरमी का मतलब है। क्या मतलब है, सब कानून के हिसाब से काम करते चले जाए, ठीक है। तो ये सारा हमें लॉ एंड गवर्नेंस शासन के हिसाब से काम करवाना है। लेकिन कुछ गुंडे लोग, कुछ क्या कहते तानाशाही लोग, कुछ भ्रष्टाचारी लोग सत्ता में आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, लोगों को भावनाएं भड़का के अपने हिसाब से शासन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सब चीजें अपने हिसाब से चलाने का काम कोशिश करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो देशद्रोह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो देशद्रोह इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हर काम करने का एक नियम बना हुआ, एक प्रक्रिया बनी हुई है। आप वो अगर उस प्रक्रिया को फॉलो ना करके अपने हिसाब से काम कर रहे हैं तो वो कानून को तोड़ रहे हैं, कानून तोड़ने की सजा है और वो देशद्रोही है, मुजरिम है, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ। गवर्नेंस समझ में आ गया? हाँ। इनको तो आप बिल्कुल ही पहचानते होंगे, पहचानते हैं? हाँ। इनका नाम है आर चौधरी। क्या नाम है? आर चौधरी। इनके इनके पास 4 वीडियो है, कौन कौन से हैं? 7-1 वॉयलेट सोशियोलॉजी सिलेबस, 7.2 वॉयलेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, 7.2 वॉयलेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, 7.2 वॉयलेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। इनका सिलेबस बहुत आसान है, सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी का मतलब सामाजिक ज्ञान, सोशियोलॉजी का मतलब सामाजिक ज्ञान। तो जैसे नाम से पता लग रहा है कि समाज का अध्ययन, समाज में क्या अध्ययन किया जाता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा रिश्ता हो, समाज में कम से कम बुराइयां के हो, समाज में कौन कौन सी बुराई है। तो समाज में कौन कौन सी बुराई दिखती है आप लोगों को, लोग चोरी करते हैं कि नहीं करते, क्राइम करते हैं कि नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं कि नहीं करते, तो और भी बहुत तरह की चीजें करते हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज करवा देते हैं, बच्चों का विवाह करा देते हैं, बच्चों की शादी टाइम बहुत कम समय में करवा देते हैं, दूसरा लड़कियों को पूरे अधिकार नहीं देते हैं।
तो ये सारी समस्याएं क्या है, हमारी समाज की समस्याएं हैं। क्या है? समाज की समस्या। तो समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या उसका क्या क्या समाधान है, किस में पढ़ा जाता है? सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी समझ में आया? हाँ। किसके पास है सोशियोलॉजी? आर चौधरी। आर चौधरी के पास सोशियोलॉजी है, ठीक है। सोशियोलॉजी क्लियर हो गया? हाँ। 7.1 वॉयलेट सोशियोलॉजी सिलेबस। 7.2 वॉयलेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सोशियोलॉजी यूपीएससी सिलेबस। सोशियोलॉजी यूपीएससी सिलेबस। अब देखिए, ये तो कोई अभी यूपीएससी का एग्जाम देंगे नहीं, तो फिर भी यहाँ पर सोशियोलॉजी यूपीएससी सिलेबस क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो सिलेबस है किसका है? ये वॉयलेट का। कौन सी टीम का है? तो एक टीम में एक व्यक्ति नहीं होंगे, कम से कम सात होंगे। कितने लोग होंगे? सात। और ज्यादा से ज्यादा 21 से भी ज्यादा हो सकते हैं, है ना। 7 और 21 के बीच में आदर्श गिनती मानी जाती है, लेकिन 21 से भी ज्यादा अगर होते हैं तो हो सकते हैं। तो इन्हें अगर यूपीएससी के एग्जाम नहीं देना है तो इन्हें दिलवाना तो है, जिनको ये गाइड करेंगे वो लोग तो देंगे, और जो और लोग मेंबर होंगे वो लोग तो देंगे, और जो मेंबर होंगे जो उनको ट्रेनिंग देंगे आगे आगे जो बातें बताएंगे वो लोग तो देंगे। तो इस वजह से इनको भी सोशियोलॉजी यूपीएससी सिलेबस का स्टडी करना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? हाँ। तो बोलो सोशियोलॉजी यूपीएससी सिलेबस। सोशियोलॉजी यूपीएससी सिलेबस। साइकोलॉजी यूपीएससी सिलेबस। साइकोलॉजी यूपीएससी सिलेबस। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में अंतर ये होता है कि सोशियोलॉजी में हम समाज का अध्ययन करते हैं और साइकोलॉजी में हम एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। साइकोलॉजी में क्या करते हैं हम? एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। फिल्मों में कहीं पर देखा है पागल व्यक्ति? हाँ। कहीं पर देखा है कोई गुस्सा करने वाला व्यक्ति? हाँ। कहीं पर देखा है कोई रोता हुआ व्यक्ति? हाँ। है ना। तो व्यक्ति के बहुत सारे इमोशंस होते हैं, है ना। तो कोई पागल हो गया, कोई ज्यादा हंस रहा है, कोई ज्यादा रो रहा है, कोई ज्यादा गुस्सा कर रहा है, या किसी में क्राइम करने की वो प्रवृत्ति आ गई, तो वो हम किस चीज में स्टडी करेंगे? साइकोलॉजी में। आप जैसे क्राइम करने की प्रवृत्ति हमने सोशियोलॉजी में बात की थी, लेकिन सोशियोलॉजी में हम क्राइम को सामाजिक स्तर पे स्टडी करेंगे। किस स्तर पे स्टडी करेंगे? लेकिन साइकोलॉजी में हम एक व्यक्ति के ऊपर स्टडी करेंगे, व्यक्ति के लेवल पे। साइकोलॉजी में हम किस लेवल पे स्टडी करेंगे? व्यक्ति। कि एक व्यक्ति क्यों क्रिमिनल बन गया, क्या परिस्थिति हुई, है ना। अब जैसे सरस्वती है, ये ज्यादा पढ़ाई में आजकल ध्यान नहीं दे पा रही है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा क्या कारण है कि ये अपने पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है। नहीं दे पा रही है। तो ये जो स्टडी होती है वो किस चीज में करनी पड़ती है? साइकोलॉजी में। एक व्यक्ति की जो भी समस्याएं होती है वो समस्या की स्टडी हम किस में करते हैं? साइकोलॉजी में। लेकिन यहाँ पर बायोलॉजिकल जो मेडिकल की प्रॉब्लम होती है वो मेडिकल की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं की जाती है, केवल बिहेवियरल प्रॉब्लम साइकोलॉजी के तहत स्टडी किया जाता है। साइकोलॉजी समझ गए? हाँ। साइकोलॉजी यूपीएससी सिलेबस। साइकोलॉजी यूपीएससी सिलेबस। 7.3 इंडिया ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। 7.3 इंडिया ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। 7.3 इंडिया ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। 7.4 दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 7.4 दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पर इस वजह से दिया गया है क्योंकि इनके पास वॉयलेट के पास क्या है? यूनियन टेरिटरीज। क्या है? यूनियन टेरिटरीज। तो दिल्ली भी यूनियन टेरिटरीज में आता है, इसलिए इसे वॉयलेट में शामिल किया गया है। 7.4 दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 7.4
सोशियोलॉजी मेन वेबसाइट bcdks.com मेन वेबसाइट bcdks.com ये सोशियोलॉजी का तो नहीं है। मेन वेबसाइट bcdks.com मेन वेबसाइट bcdks.com कॉपी वेबसाइट rgs5.com rgs7.com कॉपी वेबसाइट rgs5.com rgs7.com रफ वेबसाइट infinityfree.rf.gd सोशियोलॉजी rentwell.com सोशियोलॉजी rentwell.com कलेक्टिव ऑनरशिप ऑन ऑल रिसोर्सेज ये देखिए सोशियोलॉजी के बारे में दिया गया है। सोशियोलॉजी में हम स्टेट क्या स्टडी करते हैं कि बच्चे को का पालन कैसे किया जाता है। ये माँ है, माँ क्या कर रही है, बच्चे को पाल रही है, है ना। तो माँ बच्चे को पालती है तो क्या कहलाता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कहलाता है, सोशलाइजेशन। अब दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, कोई बिल्कुल बेवकूफ बच्चा होता है, कोई बचपन से ही बड़ा होके केवल अरबों खरबों रुपए कमाने की सोचता है, कोई सोचता है मुझे केवल दहाड़ी मिल जाए कहीं पर, है ना, मजदूरी करने के लिए मिल जाए। तो वो सब सोच कहां से आती है, सोशलाइजेशन प्रोसेस से। वो किस पे डिपेंड करता है कि बच्चे का पालन पोषण कैसे किया जाता है, है ना। अब ये क्रिमिनल बच्चा बन गया या ये व्यक्ति क्रिमिनल बन गया तो क्यों क्रिमिनल बन गया, ये लड़ाई कर रहे हैं क्यों लड़ रहे हैं, है ना, या ये अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, सबकी अलग अलग एक्टिविटी है। तो ये सारी स्टडी जो करते हैं हम किस में करते हैं, सोशियोलॉजी में। ये स्पेलिंग है, ये पढ़ो इसको, SOCIOLOGY सोशियोलॉजी, है ना सोशियोलॉजी। हाँ। पहले से पता था तुमको, नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ पा रहे थे इसको तुम, नहीं पढ़ो इसको, SOCIOLOGY है ना ये, और ये वाई सोशियोलॉजी। तो ये सोशियोलॉजी में सभी अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी हम समाज में स्टडी सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं, समाजशास्त्र में स्टडी करते हैं। समाजशास्त्र का उदाहरण ये एक पेड़ भी है ना। पेड़ कैसे है कि एक पेड़ है, या इसको मान लो एक समाज है, तो समाज में ये सब एक साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। हाँ। है ना, तो ये समाज में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये व्यक्ति और ये व्यक्ति डायरेक्ट जुड़े हुए हैं क्या, नहीं, ये इधर से आके ये इधर से ऐसे करके जुड़े हुए हैं, है ना। हाँ। तो ऐसे ही समाज में रिश्ते, जटिल से रिश्ते हैं, जटिल से समस्याएं हैं, जटिल से समाधान है। तो ये समाज का अध्ययन, लोगों का अध्ययन, लड़कों का अध्ययन, लड़कियों का अध्ययन, बच्चों का अध्ययन सामाजिक स्तर पे किस में स्टडी की जाती है, सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी किसके पास है, आम चौधरी, भूलोगे आप नहीं। तो यहाँ पर लिखा है सोशियोलॉजी एक्सपेंड्स योर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सोशल दुनिया के बारे में सोशियोलॉजी आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। समझ में आ गया सोशियोलॉजी। तो ये सारी चीजें वीडियो इस वजह से बनाया गया है कि हर टीम मेंबर को कम से कम ये पता होना चाहिए कि किस टीम मेंबर का क्या नाम है और उसके सब्जेक्ट का नाम क्या है और जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या नॉलेज है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट के बारे में छोटा सा परिचय बहुत आसान शब्दों में दे दिया गया कि नहीं दे दिया। आप अगर पूछूंगा तो बताओगे। हाँ। तो अगर आप नहीं पूछूंगा और आप पूछूंगा और आप भी अगर नहीं बता पाए तो आप बहुत हद वाली नालायकी हो जाएगी। तो आप अच्छी तरह से इसको कई बार वीडियो देख लेना,
बीच बीच में देखते रहना और अपने अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाओ और इसको बीच बीच में देखते रहना। थैंक यू। थैंक यू।